वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासत अली वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूँ सास वैली, जो कि डिस्ट्रिक्ट नगर का एक खूबसूरत इलाका है। तो यहाँ से मैं आपको हमजा का व्यू भी दिखाऊँगा। मेरा देश है जन्नत जैसा, मेरा देश है मेरा सहारा, अरमान नगर। जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको लेकर आया हूँ सास वैली, और मैं अभी आपको सास वैली से आपको दिखाऊंगा पूरा हमजा का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत व्यू है। सिर्फ और सिर्फ सास वैली से हमजा का व्यू, पूरा व्यू आप ले सकते हैं। जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान विज़िट करें, स्पेशली अगर आपको हमजा का पूरा व्यू चाहिए, तो आप सास वैली नगर का विज़िट करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप नगर आएंगे तो पूरा हमजा का व्यू आपको नज़र आएगा, जब आप हमजा से आएंगे पूरा नगर का व्यू आपको बेहतरीन तरीके से आपको नज़र आएगा। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा व्यू जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा हमजा का व्यू है। अलियाबाद, करियाबाद, अल्तिफ फोर्ट, बल्तिस्तान फोर्ट, ये पूरे मेरे बैक साइड पे है। कुदरत के हसी मंजर है, जहाँ ऐसे ख्वाबों का देश है। फूलों की सुर्खी कहती है कि सुर्खाबों का देश है। कुछ प्यारी प्यारी झीलों का और तालाबों का देश है, और तालाबों का ये जो भी आपको नजर आ रहा है, ये झूमर बकोर के लिए ये रास्ता निकलता है। झूमर बकोर यहाँ की फेमस जो माइनिंग की पॉइंट है, माइनिंग करते हैं लोग यहाँ से, झूमर बकोर के लिए यहाँ से लोग जाते हैं। अभी गाड़ी और बाइक का रास्ता बना है कुछ ही जगह तक, फिर वहाँ से आगे प्रॉपर आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। पीछे का जो व्यू है पूरा हमजा का है, और अभी का ये जो व्यू है, ये सास वैली नगर का व्यू है। और बहुत ही प्यारी जगह है, जिस जगह पे मैं अभी आया हूँ ये सुमैर वैली है। सुमैर, शायर, अस्कुरदास, ये तीनों इलाकों को मिला के सास वैली बनती है पूरी। चांदी हीरे मोती दरिया के किनारे मिलते हैं, दरिया के किनारे मिलते हैं। सुमैर वैली के आखिरी पॉइंट ममूवर पे भी हम पहुँचे हैं। ममूवर का बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रिज थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से ये भी आपको दिखाता चलूँ। बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है। सोना दिन है राते चांदी, यहाँ तितली जुगनू बाराती, यहाँ गूंजती है परियों की हंसी जादू। आओ, ये अभी हम ममूवर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से हम सीधा निकलेंगे। नीचे एक कनेक्टिंग पॉइंट है, पुल है, तो वहाँ से हम फिर हमजा को टच करेंगे। हमारे साथ मुनीर भाई हैं, जो कि आज बाइक राइडिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इसका, बाइक राइडिंग का। घर अपने पहाड़ों के ऊपर, देखे तो सितारे लगते हैं, प्यारे प्यारे मंजर सारे, कुछ और भी प्यारे लगते हैं। ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज जो है वो कनेक्ट करता है हमजा और निगर दोनों डिस्ट्रिक्ट को, जो कि सास वैली में बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट हमजा है। सामने ये जो इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये गनी, और ऊपर का जो इलाका नज़र आ रहा है, ये करियाबाद, और करियाबाद से ऊपर जो है वो अल्तिफ फोर्ट है। पोशी की चोटी पर परियों का बसेरा रहता है, और चीर की चोटी का सीना यख बसता चश्मा बहता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, हर देखने वाला कहता है, हर देखने वाला कहता है। गनीश से मैं आपको अभी दिखाऊंगा नगर साइड का व्यू।
पहले मैंने आपको दिखाया था निगर साइड से पूरा हुंजा साइड का व्यू, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा गनिश हुंजा से सास वैली का व्यू, जो कि डिस्ट्रिक्ट निगर का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है सास वैली। तो चले देखते हैं सास वैली को। कतरा कतरा छेड़े है राग पहाड़ी का, सन सन सी हवाओं में सरगम चंदा से चकोर। सास वैली का व्यू आप देख सकते हैं। सास वैली की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 4000 घरानों पे मुश्तमिल है। 4000 घराने सास वैली में आबाद हैं। अलियाबाद, हुंजा और सास वैली नगर एक दूसरे के अपोजिट हैं। मेरा देश है मेरा सहारा, अरमान नगर। ये रोड ऊपर की तरफ जो निकल रहा है वो करीमाबाद के लिए रास्ता निकलता है, और ये जो गाड़ी गई ये करीमाबाद के लिए जा रही है, और ये नीचे का जो रोड है वो पंजराब बॉर्डर तक जाता है। मेरी रूह निगर, मेरी जान निगर, अरमान निगर, मेरा मान निगर, मेरी रूह निगर, मेरी जान निगर, राका पोशी दिला गोल्डन, दुनिया में मेरी पहचान निगर, दुनिया में मेरी पहचान निगर, अरमान देश है। टाइम मैं हूँ नासिराबाद हुंजा में, और मेरे पीछे का ये जो व्यू आपको नज़र आ रहा है ये निगर वैली का व्यू आपको नज़र आ रहा है। निगर वैली के जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, मिनापिन वैली, पिसन वैली, और इसके अलावा जो राकापोशी व्यू पॉइंट का जो ग्लेशियर है वो भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये राकापोशी व्यू पॉइंट का जो ग्लेशियर है ये है, अभी बादल छाए हुए हैं तो वो ठीक से नज़र नहीं आ रहा, और हम कोशिश करेंगे कि राकापोशी व्यू पॉइंट के ऊपर एक मुकम्मल तफसीली व्लॉग बनाएं जिसमें हम आपको पूरी की पूरी डिटेल्स देते हैं। इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये कराकोरम हाईवे का रोड है, ये रोड बिल्कुल सीधा पंजराब बॉर्डर तक जाता है, चाइना बॉर्डर तक ये रोड जाता है, और ये जो दरिया बह रही है, ये जो दरिया है इसको दरिया सिंध का नाम दिया जाता है, और इसमें जो पानी बहता है वो हसनाबाद नाले का पानी भी आता है, आगे गलमित से भी पानी आता है, और ये आप देख सकते हैं कि ये पिसन से और मिनापिन से भी पानी जो है ग्लेशियर का पानी पिघल के यहाँ पे आके इनके साथ मिक्स होता है। बहुत ही खूबसूरत मंज़र, और क्योंकि आजकल कोविड-19 के दिन चल रहे हैं और इतना ज़्यादा टूरिस्ट का फ्लो नहीं है, तो मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे आपको ये एक व्लॉग बनाऊं और जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि आजकल कोविड के दिन में डिस्ट्रिक्ट हुंजा और डिस्ट्रिक्ट निगर के लोग किन कामों में मसरूफ़ है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी डिपेंड करती है टूरिज़म के ऊपर, और टूरिज़ का फ्लो इस साल बहुत ही कम है, यानी न होने के बराबर है। परियों की हंसी जादू जैसी नगरी नगरी, ख्वाबों की दुनिया मेरा नगर, याकूद यहाँ का हर पत्थर, याकूद यहाँ का हर पत्थर, अरमान नगर।